हे एवरीवन, वेलकम टू शम्स IAS। मैं शिवांगी शर्मा और आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, विच इज़ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, सो बेसिकली फूड सिक्योरिटी होती क्या है? फूड सिक्योरिटी होती है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि मतलब जो फूड है वो हमारे लिए अवेलेबल है, मतलब नियरेस्ट मार्केट में जो खाना है वो हमारे लिए अवेलेबल है, हम ख़रीद सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मतलब हर आदमी की कैपेसिटी है कि वो जाके उस फूड को एक्सेप्ट कर सके। थर्ड इज़ अफोर्डेबिलिटी, मतलब हर आदमी उसको ख़रीद सके। ठीक है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ठीक, सो बेसिकली फूड सिक्योरिटी चाहिए ही होती है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं वो पुअर कंसिडर किए जाते हैं। तो ऑफकोर्स जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं वो तो फूड इनसिक्योर होंगे ही होंगे, बट कभी कभार ऐसा होता है कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर, कैलेमिटी या फमाइन आ जाए कि जो लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर है उनके लिए भी फूड महंगा हो जाता है उस टाइम। और ऐसी सिचुएशन में फूड सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच है। ठीक, कोई भी नेशनल डिज़ास्टर आ सकता है, कैलेमिटी आ सकती है, जैसे अर्थक्वेक, ड्राउट, फ्लड, सुनामी या फिर फमीन आ सकता है। ठीक है, तो किसी भी मतलब हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलेमिटी। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो अगर सूखा पड़ गया, ड्राउट आ गया। अगर ड्राउट आ गया तो ऑफकोर्स पानी ही नहीं है, फूड ही नहीं होगा, राइट? मतलब ऑफकोर्स फूड ही नहीं है, इरीगेशन ही नहीं होगा, फसल ही नहीं होगी। कि ऐसे जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फूड का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और ऐसे टाइम पे जो रिच पीपल है सिर्फ वही फूड खरीद सकते हैं। ठीक, जो पुअर सेक्शन है, पुअर सेक्शन तो खरीद ही नहीं सकता ऑफकोर्स। और जो बिल्कुल रिच भी नहीं है और बिल्कुल पुअर भी नहीं है, वो वाली क्लास भी फूड खरीदने के लायक नहीं रहती है। ठीक, फमीन क्या होती है? फमीन एक एक वाइड स्प्रेड होता है डेथ का, बिकॉज ऑफ भूखमरी या फिर स्टावेशन, ऐसा बोल सकते हो आपके खाने की कमी की वजह से जब लोगों को भूखमरी हो जाती है, लोगों की बॉडी इतनी एबल नहीं होती कि वो किसी चीज़ को सहन कर सके, उनकी बॉडी में रेसिस्टेंस नहीं रहता, बहुत वीक हो जाते हैं और बहुत सारी मौतें होती हैं, इसको हम फमीन बोलते हैं। ठीक है, जो अभी सबसे जो पुराना और सबसे भयानक फमाइन हुआ था वो फमाइन ऑफ बंगाल 1943, जिसमें ऑलमोस्ट 30 लाख पीपल मारे गए थे। ठीक, तो अब ये है कि फूड इनसिक्योर है कौन लोग? बेसिकली जो लोग लैंडलेस है, और अगर हम रूरल एरिया के बारे में बात करें, जो लैंडलेस लोग हैं जिनके पास जगह ही नहीं है जहाँ वो फूड उगा सके, जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस होते हैं, देखो जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस होते हैं ना उनमें आर्ट काफ़ी होती है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि जो भी चीज़ वो बनाते हैं उनकी जितनी वो उसका जितना उसका पे होना चाहिए वो कभी उनको नहीं मिलता, कभी कभार उनके सामान बिकते नहीं हैं। उसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं और जो बेगर्स होते हैं, ये लोग भी फूड इनसिक्योर होते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आई होप आपको ईजिली समझ आ रही होगी। उसके अलावा जो SC ST हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उसके अलावा जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ये लोग इन लोगों की लोग भी फूड इनसिक्योर होते हैं, इन लोगों को भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी देखी जाती है, विच आर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, ये कुछ ऐसे पार्ट है कंट्री के जहाँ पे सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर लोग हैं। अब है हंगर। हंगर भी दो टाइप का होता है, ठीक है, क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर ये वाला, क्रॉनिक हंगर होता है जब आपके पास थ्रू आउट द ईयर जो खाने के लिए चीज़ होती है वो ना वो होती है, वो अनसेटिस्फाइड होती है, मतलब क्वालिटी में भी क्वांटिटी भी वो इनएडिक्वेट होती है। ठीक, थ्रू आउट द ईयर। जबकि सीजनल हंगर होता है कि पूरे साल में हाफ ऑफ द ईयर आपको जो खाना खाने को मिलेगा वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, बट जो बाकी का बचा हुआ साल है ना उसमें आपको बहुत ही कम, बहुत ही लो क्वांटिटी में और बहुत ही लो क्वालिटी का फूड मिलेगा। ठीक, तो आज के टाइम में ना वैसे ये दोनों ही काफ़ी ना हंगर काफ़ी कम हो गया। ठीक, जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ उस टाइम पे वीट और राइस का ना प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अब जो भी ये हंगर है ना, चाहे वो क्रॉनिकल हो या सीजनल, ये काफ़ी लो हो गया है। अब इसके पीछे रीज़न तो होगा, राइट? कुछ तो हमने किया कि ये हंगर काफ़ी लो हो गया, तो उसका एक बेसिक रीज़न था
कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तब स्पेशली वीट और राइस में हुआ। जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ तो इतना वीट प्रोड्यूस हुआ कि तब जो इंदिरा गांधी हमारी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी, तब उन्होंने एक स्पेशल स्टैम्प बनाया जिसमें लिखा था वीट रेवोल्यूशन इन जुलाई 1968। उसके बाद उसी ग्रीन रेवोल्यूशन से राइस भी बनाना शुरू कर दिया गया और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा फूड ग्रेन बनना शुरू हो गया। ठीक, अब बफर स्टॉक क्या है? अब बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली वीट एंड राइस प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो बफर स्टॉक एक बफर स्टॉक मतलब वो स्टॉक है जो ना गवर्नमेंट इकट्ठा करके रखती है थ्रू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें वो फूड ग्रेन्स जो कि वीट और राइस होते हैं उनको बचा के रखा जाता है उन सेक्शन के लिए जो फूड इनसिक्योर है। ठीक है, अब यहाँ का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो उन स्टेट्स में जिन स्टेट्स में वो फूड ग्रेन ज़्यादा बनती है, ज़्यादा मतलब बनती है बेसिकली, उधर उधर जाके वो फूड ग्रेन खरीद लेते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। ठीक है, वो जो पैसा होता है जो रेट वो उनको पे करते हैं वो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और गवर्नमेंट उस क्रॉप के बनने से पहले ही इस प्राइस को अनाउंस कर देती है ताकि फार्मर्स को पता चले कि अच्छा ये सपोर्ट प्राइस है तो हमें इतना बनाना है कि इतना गवर्नमेंट ले जाएगी तो हमारे लिए प्रॉफिट बच जाए। ठीक है, और उस ग्रेन को वो उस स्टेट से इकट्ठा करके उस स्टेट में जाके दे देती है जहाँ पे वो फूड ग्रेन की कमी है, और जिस जिस कॉस्ट में वो उसको उनको देती है जिन कॉस्ट में उनको बेचती है वो होता है इश्यू प्राइस। ठीक, अब आता है पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखो आज के टाइम पे जब हमें ये देखने को मिला कि काफ़ी एरिया है कंट्री में जो बहुत पुअरर सेक्शन है और फूड इनसिक्योर भी है, तब गवर्नमेंट ने राशन शॉप्स खोले पीडीएस के अंदर। राशन शॉप्स में अब आपको क्या होता है कि हर एक टाउन सिटी में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब राशन शॉप्स को फेयर प्राइस शॉप्स भी बोला जाता है, उनमें आपको फूड ग्रेन शुगर और कैरोसिन मिलती है। ठीक है, और वहाँ पे जो रेट से वो खरीदते हैं उसको भी हम बोलते हैं जो हमने ऊपर ही पढ़ा था अभी इशू प्राइस। ठीक है, अब जब ग्रीन रेवल्यू सॉरी जब हमें ये देखने को मिला कि काफ़ी हद तक अभी भी कंट्री फूड इनसिक्योर है, तब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बाद और भी ऐसे स्कीम्स ऑर्गेनाइज हुई ताकि हर एक सेक्शन को खाना मिल सके। ठीक है, कोई भी सेक्शन मतलब फूड इनसिक्योर ना रहे। उसमें से थे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, फूड फॉर वर्क। ठीक है, ये सारे पीडीए के अंदर आते थे। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें 1700 ब्लॉक्स को ना इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या था कि जो एरिया काफ़ी ज़्यादा फूड इनसिक्योर है उधर पीडीएस को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, स्पेशली जो बैकवर्ड एरियाज थे जहाँ पे पीडीएस अभी इसका इंट्रोड्यूस नहीं था वहाँ पे पीडीएस को इंट्रोड्यूस करने के लिए आरपीडीएस को इंट्रोडक्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद आता है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इसमें क्या था कि ये ना थोड़ा सा ऐसा हो गया कि थोड़ा सा आपको इसमें ना डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं बट रेट में ना आपको एक वो डिफरेंस देखने को मिलेगा कि पुअरर सेक्शन और रिचर सेक्शन के लिए जो फूड था उसके प्राइस में ना डिफरेंस आना शुरू हो गया था। ठीक, उसके बाद 2000 में दो स्पेशल स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस हुई विच वॉज अंत्योदय अन्न योजना AAY और अन्नपूर्णा स्कीम। ठीक है, जिसमें जो टारगेट ग्रुप्स थे जो पुअरेस्ट पीपल थे उनको ना सबसे उनको कोशिश की गई कि उनको सबसे ज़्यादा मतलब फूड इनसिक्योर ना बचे, उनके पास फूड मिल जाए उनको। ठीक है, और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी ना देखने को मिले। अब ऐसा हुआ कि जब पीडीएस इंट्रोड्यूस हुआ तब हमें मतलब सभी को लोग क्या करते थे, स्पेशली जो राशन शॉप्स के लोग थे, जब इतना हंगर था इतना वाइड स्प्रेड था, हमारी गवर्नमेंट क्या करती थी कि जितना हमें फूड चाहिए, ठीक है, वो हर मतलब हर क्वार्टर क्वार्टर मंथ में उसको यू नो
इंट्रोड्यूस करते थे, जिसको हम मिनिमम बफर नॉर्म भी बोलते थे। मिनिमम बफर नॉर्म मतलब कितना फूड ग्रेन्स की हमें ज़रूरत है, जो हम स्टॉक करके रखे फूड ग्रेन्स में, ठीक है, कितना हमें स्टॉक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो, जनवरी में हमें थी 214 मिलियन टन्स, ठीक है, बट गवर्नमेंट ने 529 मिलियन टन इकट्ठा करके रखा था। तो मतलब इसके अलावा अराउंड 300 मिलियन टन वेस्ट है। अब देखो, ऐसा होता था कि हमारी जो फूड ग्रीनरीज है गवर्नमेंट की, वो तो भरी रहती थी, बट फिर भी लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऐसा हो रहा है कि ग्रीनरीज में जो हमारा फूड है वो पड़े पड़े ख़राब हो रहा है। जितना हमें चाहिए उससे एक्सेस लोग उससे भी ज़्यादा एक्सेस गवर्नमेंट के पास है। जैसे यहाँ पे देखो, अप्रैल में 210, बट हमारे पास कितना है, 564। जुलाई में 411 मिलियन टन्स, बट हमारे पास है 900। तो अप्रोक्स 500 मिलियन टन्स तो वेस्ट हो रहा है, समझ रहे हैं आप। अब देखो, या तो उनको रैट्स खा जाएंगे, ठीक है, या तो फिर बरसात के मौसम में वो पानी की वजह से ख़राब हो जाएगा, मतलब वो एंड में जाके वेस्ट ही हो रहा है। ऐसा क्यों, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता था कि कुछ स्टेट्स जैसे हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वो गवर्नमेंट को ऐसा बोलती थी कि आप एमएसपी में थोड़ा इंक्रीमेंट लाए, ताकि जो फार्मर्स है वो और ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोड्यूस करें। तो जो वो यूजुअली फार्मर्स फ्रूट ग्रेन प्रोड्यूस करते थे, वो छोड़ के सिर्फ वही वाला फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे जिसके लिए उनको एमएसपी मिल रही है। तो वो फूड ग्रेन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वो एट द एंड वेस्ट हो रहा था, ठीक है। उसके अलावा कुछ ना माल प्रैक्टिसेस भी देखी गई। जैसे जो राशन शॉप्स थी, वहाँ वहाँ के लोग ऐसा करते थे कि जो बेटर क्वालिटी का क्रॉप होता था, वो उसको बाहर जाके बेच देते थे एक अच्छे मार्जिन में, और जो बेकार क्वालिटी का रह जाता था उसको राशन शॉप्स में बेचा जाता था, ठीक है। उसके अलावा राशन शॉप्स की ओपनिंग इरेगुलर हो गई थी, तो ऑफकोर्स लोगों को खाना मिल ही नहीं रहा अगर राशन शॉप्स खुलेंगे ही नहीं। राशन शॉप्स एक ऐसा सोर्स था ना, जिससे लोग जाके फूड खरीद सकते थे, पीडीएस के अंदर वो खुला था, वो खुलते ही नहीं थे लोग क्या कर? और जो राशन शॉप्स के अंदर जो बैठते थे वो लोग, वो ऐसे माल प्रैक्टिसेस करते थे कि जो अच्छे क्वालिटी का क्रॉप था वो बाहर जाके बेच देते थे, और पुअर क्वालिटी का क्रॉप लाके इनको देते थे, ठीक है, लोगों को देते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी। अब कोऑपरेटिव ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है, क्योंकि कुछ भी हो, कोई भी एस्पेक्ट हो, कोऑपरेटिव्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। कोऑपरेटिव जब खुले तो लोग, कोऑपरेटिव ऐसा करते थे कि वो सोसाइटीज़ में खुल के चीज़ों को लो प्राइस में बेचते थे पुअर पीपल के लिए, अच्छा, और गुड्स की क्वालिटी भी अच्छी हुआ करती थी। उसमें से एक थी मदर डेयरी और अमूल। इन्होंने लो क्वालिटी में अपना गुड प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट लाके बेचा, ताकि पुअर भी उनको खरीद सके। उसके अलावा महाराष्ट्र में अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस यानी ADS को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें बहुत सारे NGOs खुले, ताकि वो ग्रेन बैंक्स खोल सके डिफरेंट रीजन में जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक। अब आप ये देखो कि हमारी कंट्री में काफ़ी लोग हैं जो फूड इनसिक्योर हैं, ठीक है। अब इस फूड इनसिक्योरिटी को हटाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स तो खोली है, जैसे हमने अभी पढ़ी, ठीक है, बट कहीं ना माल प्रैक्टिसेस देखी जा रही हैं, और ऐसा भी हो रहा है कि हमारा फूड ग्रेन बहुत वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो फूड ग्रेन्स में वेस्टेज है ना, ये कहीं ना कहीं एक बुरी बात है कि हमारा फूड ग्रेन इतना वेस्ट हो रहा है, बिकॉज हमारे कंट्री में इतने लोग हैं जो फूड की डिमांड कर रहे हैं, जिनके पास फूड पहुंच नहीं रहा, बट फूड ग्रेन वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये तो एक बहुत ही ना लो एस्पेक्ट है, ये होना ही नहीं चाहिए, हमारा फूड ग्रेन वेस्ट हो रहा है, जबकि ये होना ही नहीं चाहिए हमारी फूड ग्रेन, क्योंकि हमारी कंट्री में इतने सारे लोग फूड इनसिक्योर है, उसके बावजूद भी फूड ग्रेन वेस्ट हो रहा था। आप सोचो कि कहीं ना कहीं कितनी माल प्रैक्टिसेस और गवर्नमेंट कितना एक्सेस फूड इकट्ठा कर रही है, जितना हमें चाहिए नहीं, कि वो एट द एंड वो सारा ही वेस्ट हो रहा है, और जिनको चाहिए उनको भी नहीं रिसीव हो रहा, ठीक है। तो हेयर डेट इज़ इट फॉर योर डेट इज़ इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। तो 9th क्लास की हमारी इकोनॉमिक्स ख़त्म हो गई है, सो द नेक्स्ट वीडियो इज़ गोना बी इकोनॉमिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 10th। सो हेयर, थैंक यू वेरी मच।